गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास सिक्स का जो इंग्लिश ग्रामर का थर्ड टॉपिक है आपका, वो टॉपिक के क्वेश्चन आज हम उसके बारे में कवर अप करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम जानेंगे क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस, जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप सेंटेंस में आपने जाना था कि सेंटेंस ऐसे जनरली आप चार टाइप होते हैं। पहला था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा था नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और अपडेटिव, पांच टाइप के। उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में होता है क्या, क्वेश्चन आस्क करता है, ठीक है ना। तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन आस्क करते हो, वह कहाँ जाता है, क्या वह जाता है, आप क्या खाते हो, आप फुटबॉल और क्रिकेट में किसे ज्यादा पसंद करते हो, ये सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के टाइप्स हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आज हम वही क्वेश्चन के टाइप पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका फॉर्मेशन क्या होता है, ये सब चीज हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो जैसे हम पहला है, हमारा पहला जो टाइप है क्वेश्चन का, यस नो टाइप, क्वेश्चन का जो पहला टाइप है वो हमारा क्या है छोटू, यस नो टाइप, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में तीन मेजर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इन इंग्लिश ग्रामर आपको करना क्या होगा, इसमें क्या होता है कि या तो जब आपको क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को हम यस नो टाइप में रखते हैं जिसका आंसर या तो यस होगा, अदरवाइज उसका आंसर क्या होता है, नो होता है, ठीक है ना। यस नो टाइप में जिसका आंसर या तो यस होगा, अदरवाइज नो होगा, ठीक है ना, यस नो टाइप। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे यस नो टाइप में हमने आपसे पूछा कि हैव यू लंच, हैव यू लंच, ठीक है ना, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मान लो कि वी थिंक बाहर जाओगे तो, यदि आप जाओगे तो हाँ होगा, अदरवाइज अगर नहीं जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हुआ यस नो टाइप। यस नो टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो यस नो टाइप में वैसे क्वेश्चन आप पास करते हो जिसके आंसर या तो यस होगा, अदरवाइज क्या होता है, छोटू, नो होता है। अब इसका फॉर्मेशन देखो, आप ध्यान से देखो, तो ये जो है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सबसे पहले देखो ये है आ रहा है, दूसरा क्या रहा है, बी ला रहा है, देख रहे हो आप ध्यान से। तो यस नो टाइप का जो फॉर्मेशन होता है वो या तो है आएगा, नहीं तो बी लाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, छोटू, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो ये सब चीज अभी तो आप टाइप देखो, अभी सब फॉर्मेशन कैसे होगा, पहले इसलिए आपको पढ़ना है, पहला इन क्वेश्चन वाले टॉपिक में, क्वेश्चन वाले टॉपिक में आपको पढ़ना है पहला की टाइप, दूसरा पहला पढ़ा है आपको टाइप, दूसरा पढ़ा है आपको फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है ना। यस नो टाइप है तो जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपका टाइप पढ़ना है, दूसरा चीज क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन पढ़ना है। तो हम टाइप पढ़ते हैं कौन कौन होता है, तो पहला हुआ यस नो टाइप, दूसरा हुआ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है ना, दूसरा हुआ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जैसा कि इसका जो टाइप है यहाँ भी दे रखा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कौन कौन आते हैं, तो वैसे क्वेश्चन जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन जिसके बहुत सारे आंसर आते हैं, किस में आते हैं छोटो, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में। जैसे देखो डब्ल्यू एच, इसका नाम से पता चला है कि इसके इसमें कौन से वर्ड होंगे, डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन होते हैं, देखो डब्ल्यू एच वर्ड हम आपको यहाँ पे लिखते हैं,
पहला होता है वाट, वेयर, वेयर, वाई, उसके बाद हु, उसके बाद हाउ, ये सब चीज ये जो आते हैं वो डब्ल्यू एस में आते हैं। अब देखो कि सबकी स्टार्टिंग इसको छोड़ करके ये जो पांच है ये स्टार्टिंग में डब्ल्यू एस बीच वगैरह भी आते हैं, ठीक है ना, उनको अभी हम नहीं रखते हैं। डब्ल्यू एस डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच और ये इसको छोड़ करके बाकी इस वजह से ये जो छह है वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आते हैं। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नित्या घोष, देयर इज बड़ी चीज याद रखना, क्वेश्चन के जो भी आप सेंटेंस लिखोगे उसके लास्ट में साइलेंट इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। कैसे तो आपसे कर ली जो या तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहता है, अदरवाइज आपका डब्ल्यू एस वर्ड स्टार्टिंग में रहता है तो वो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। लेकिन ये भी आपको पंक्चुएशन जो है ना हमेशा यूज करना है, इट इज मस्ट फॉर यू, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हमने बताया था कि जब एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारे आंसर मिलने की संभावना बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटीज होती है कि दो से ज्यादा आंसर मिले उन्हें हम डब्ल्यू एस वाले में रखते हैं। नित्या का नित्या का घर कहाँ है, देखो एक क्वेश्चन है डब्ल्यू एस पर है ना, डब्ल्यू एस वर्ड से इस पर से डब्ल्यू एस क्वेश्चन पर। अब नित्या का घर चाइना में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, तुर्कमेनिस्तान में, बांग्लादेश कहीं भी हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका बहुत सारे आंसर होते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्हाई डू यू लाइक मी, आप मुझे व्हाई डू यू लाइक मी, आप मुझे क्यों पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे क्यों पसंद करते हैं इसका बहुत सारे आंसर हो सकता है। आप अच्छा पढ़ाते हैं इस वजह से आप मुझे पसंद करते हो, आप खाना बढ़िया बना लेते हो इस वजह से आप मुझे पसंद करते हो। तो ये सब चीज जब आप बहुत सारे आंसर मिलना शुरू हो जाए उनको डब्ल्यू एच में। दूसरा रीजन क्या होता है, ये स्टार्ट भी होते हैं डब्ल्यू एच। अब जैसे दो होगा और तीसरा जो मेजर टाइप है, क्योंकि हमने यहाँ ही लिख रखा है, देखो यहाँ थ्री मेजर टाइप, तो ये आपने देखा कि पहला हुआ एस नो टाइप, दूसरा हुआ डब्ल्यू एच क्वेश्चन और तीसरा जो है वो होता है हमारा अल्टरनेटिव। चूज करना है क्योंकि ये अल्टरनेटिव है।
अब दूसरा जैसे है कि इज हर नेम इज प्रियंका और दीपिका, उसका क्या नाम है? या तो प्रियंका अदरवाइज दीपिका, ठीक है ना? तो इसमें अल्टरनेटिव में आपको कोई झंझट नहीं, ऑलरेडी दो ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें उसने आपको चूज करना है। तो ये हुआ क्वेश्चन के थ्री मेजर टाइप। यहाँ आपके थ्री मेजर टाइप पहला हुआ यस नो टाइप, दूसरा हुआ डब्ल्यू एस क्वेश्चन, और तीसरा हुआ अल्टरनेटिव क्वेश्चन। तो ये जो आपने ये जो पहला टॉपिक था टाइप वो आपने कम्प्लीट कर लिया, क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन देखने के लिए अब आप ध्यान से देखो, ये जो टॉपिक का फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन हो वो ये जो टॉपिक होती आपने जो पहले टाइप किया था कि टाइप कितने होते हैं, अब टॉपिक यहाँ पे हमारा जो मेरी टॉपिक है फॉर्मेशन आगे करेंगे कैसे, ये जो क्वेश्चन है उनका हमारा फॉर्मेशन होगा कैसे, तो हम फॉर्मेशन में देखते हैं। पहला जो हमारा यस नो टाइप था, यस नो टाइप का जो फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। तो अब इनका फॉर्मेशन जैसे हमने आपको दो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था आपको याद है? हमने दो एग्जाम्पल लिखा था, उसमें देखो पहले जो दो एग्जाम्पल हमने लिखा था हैव यू लंच, विल सी गो आउट दिस इवनिंग, पहला एग्जाम्पल हमने लिखा था हैव यू लंच, और दूसरा आपका विल यू गो आउट फॉर इन इवनिंग यहाँ जो एग्जाम्पल था ना, तो आप देखो आप ध्यान से देखो इनकी इनका जो स्टार्टिंग हो रहा है छोटू वो हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। आप हमारे पता ही है कि एक होता है मेन वर्ब जैसे प्लेइंग से प्लेइंग वीपिंग क्राइंग लाफिंग दीज आर मेन वर्ब, लेकिन ये जो है हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बी जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद देखो सब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, अदर वर्ड्स होंगे और क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वर्ब छूट गया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। अब जैसे देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब ये यू जो है सब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट जो भी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यू उसके बाद फिर वर्ब, यहाँ वर्ब भी हो सकता है, ठीक है ना, अदर वर्ड्स यानी अदर वर्ड्स से जो होता है प्रेडिकेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी था कि प्रेडिकेट आपके चैप्टर में जब हम पीछे पढ़ा रहे थे लेसन 3 में, तो प्रेडिकेट हमने आपको पढ़ाया था, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दिस सेंटेंस और वर्ब एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो यहां पे इसके फॉर्मेशन में आप ये भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है ना। इसका दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब इज बी प्लस सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट, क्योंकि जब आपको हमने बताया था प्रेडिकेट जब चैप्टर चल रहा था तो वहां पर हमने बताया था कि प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दिस सेंटेंस ऑफ वर्ब जिसके पास एक वर्ब रहता है और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स भी रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये हुआ आपका हैव विल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब उसके बाद सब्जेक्ट हुआ यू दोनों से यू आई मीन जो आई सी ही ये सब सब्जेक्ट राम मनोज कुछ भी हो सकता है, उसके बाद प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब जैसे देखो प्रेजेंट में कुछ हम आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब में कैन हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, ठीक है ना, डिड हो गया, डू हो गया, डज हो गया, ठीक है ना, शैल हो गया, will हो गया, तो ये सब है ना एक सब बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब चीज जो है ना उसका हेल्पिंग वर्ब है, ये सब चीज हेल्पिंग वर्ब के जगह पे यूज होंगे। जैसे मान लो कि कैन से हमें को यूज करना है, कैन यू हेल्प मी, जैसे एक एग्जांपल देखो कैन
यू हेल्प मी, ठीक है ना। अब ये कैसे यस नो टाइम में आए, तो कहने हेल्प कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, अगर उसे करना होगा तो वो बोलेगा यस, अगर नहीं करना होगा तो वो क्या बोलेगा, नो आई कांट हेल्प यू, ठीक है ना। अगर यस करना यस आई विल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, तो ये होगा हमारा किसका यस नो टाइम का क्वेश्चन। आप परमिशन समझ गए, ये सब चीज जो है ना हेल्प यू भर है, तो ये सबसे पहले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर बढ़े प्रेडिकेट्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी बुक में भी ऑलरेडी इसका परमिशन देखो जहां से लेके यहां पर अच्छे से दे रखा। अब जैसे देखो हम, अब जब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस दे रखा, ठीक है ना। अब जब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे यस नो टाइम बनाते हो, ठीक है ना। अब हम ये तो जनरली हुआ, अब हम टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है ना, इनका फॉर्मेशन। तो अब एक चीज ध्यान देना, जब आपको अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग क्या यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है, तो अब जैसे सिंपल प्रेजेंट का हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किसका छोटू, सिंपल प्रेजेंट का। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखते हैं, अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू और डज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू और डज होता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, और सब्जेक्ट के साथ डू या डज। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो हम डू लगाएंगे और कहाँ हम डज लगाएंगे। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे छोटा सा नहीं करेंगे, यूज ऑफ डू काम करेंगे छोटू और डज कहां करेंगे। देखो आपको हम एक बात बता रहे हैं, डज का यूज जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, डज इज यूज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आपको कौन कौन आता है वो तो पता है, ही सी इट और नाउन, ही आता है, सी आता है, या कोई एक नाउन आता है, ही सी इट या कोई एक नाउन सिंगुलर नाउन, ठीक है ना। और बाकी जो रिमेनिंग बच गए, जैसे आई बच गया, वी बच गया, यू बच गया, दे बच गया, या प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या यूज होता है छोटू, डू यूज होता है। अब आपको समझ में आया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज यूज होता है, और रिमेनिंग जो रेस्ट बचे उनके साथ क्या यूज होता है, डू यूज होता है। ऐसा हम आपको लिखते हैं, जैसे ही सी ई या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है छोटू, डज, ठीक है ना। और उसके बाद डू किसके साथ यूज होता है, तो आई के साथ यूज होता है, वी के साथ यूज होता है, आई वी यू के साथ यूज होता है, दे के साथ यूज होता है, या कोई प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ठीक है ना। हमने लिख दिया है आपको कम्प्लीटली, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये आता है रिमेनिंग में ये। अब जैसे हम इसका देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जब हमने बनाया, इसको कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिखा डज यू प्ले क्रिकेट, हमने लिखा डज यू प्ले क्रिकेट। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना कि सेंटेंस सही है कि गलत है, तो सर आपने लिखा था यू, यू के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग डज में यूज होगा क्या होगा, डू, ठीक है ना। तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो ये देखो ये समय आए नहीं, यदि वो खेलता है तो वो बोलेगा हाँ, यदि वो नहीं खेलता है तो वो बोलेगा ना, ठीक है ना। तो यस आई प्ले क्रिकेट या नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका इसका सिंपल प्रेजेंट का। अब इसको आप हियर पे नोट कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। अब डू या डज किसके साथ यूज होता है वो भी हमने बताया। अब ये सिंपल प्रेजेंट जब हमने बनाया तो हम आपको देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, ये आपको नोट डाउन कर लेना हियर में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि आपके बुक में ये सब दे रखा है, ठीक है ना। अब हम जब पढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस, तो जब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस में छोटू उसका स्ट्रक्चर होता है, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसमें इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी टू होता है, तो टू लेटर्स के हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब टू होता है, इसका हेल्पिंग ये जो हेल्पिंग
वर्ब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जो डू वर्ब जो है वह क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह डू एट का वर्ब, तो इसी का जो वी टू हो जाएगा छोटो वो डीड होता है, डू एट का वी टू अगर आपसे पूछे तो वो क्या होता है वो डीड होता है, ठीक है ना। इसका आपका तुम क्या हो जाएगा डीड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस बेस वर्ब यानी वर्ब का मेन फॉर्म, ठीक है ना, बेस वर्ब यानी वर्ब का मेन फॉर्म, बेस वर्ब हमने यहाँ पे लिखा जैसे पहले वाले में भी बेसिक वर्ब लिखा था, जैसे प्ले 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 या वी वन वी टू वी थ्री, लेकिन जो प्ले है उसको बेस वर्ब कहते हैं यानी वी वन प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। अब डीड इसमें तो डू ऑर्डर है नहीं, डीड तो सबके साथ लगाना है, सबके साथ डीड लगाना है, ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट बेस वर्ब अदर वर्ड्स। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल जैसे पहला वो डिडुप्लीकेट क्या क्रिकेट खेला था, अगर आप खेले हो तो यस बोलोगे, नहीं खेले हो तो नो बोलोगे, ठीक है। अब उसके बाद सुनो, डिड यू वर्क इन एनी बॉलीवुड मूवीज, क्या आपने किसी भी बॉलीवुड मूवी में काम किया था, अगर तो इसमें शायद किए भी होंगे, अगर आपने किया था तो यस, अदरवाइज नो। तो देखो जो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो कहा जाते हैं छोटू यस नो टाइप, ठीक है ना, वो कहा जाएंगे हमारा यस नो टाइप। अब देखो ये आपका हुआ यहाँ से स्ट्रक्चर हुआ और फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में आते हैं, अब फॉर्मेशन तो हो गया आपका यस नो टाइप का, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज में आते हैं, अब देखो यहाँ पे जो आपका एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज यस नो क्वेश्चंस, इनको जो है यस नो क्वेश्चन में सेंटेंस को रीराइट करना है। तो हमने जैसे पहला आपको क्वेश्चन दिया था बम्बो इज अ टाइप ऑफ ग्रास, बम्बो इज अ टाइप ऑफ ग्रास, बम्बो जो है वो एक ग्रास का टाइप है। तो इसे जब आप यस नो में कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, तो आप जनरली जैसे हिंदी में आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, हिंदी में अगर ये जो सेंटेंस हुआ कि बांस जो है एक घास का टाइप है, तो हिंदी में आप कैसे करोगे, तो क्या बांस एक घास का टाइप है, तो इसका आंसर यदि हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो ये देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी को जस्ट इसके पहले ला देना है, स्ट्रक्चर के जस्ट पहले इसको लाना है और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लास्ट में यूज करना है, तो आपका यस नो टाइप में आएगा। तो बस इसको हेल्पिंग वर्ब लाने में शुरू में लाएंगे, तो इज बम्बू अ टाइप ऑफ ग्रास, और क्वेश्चन मार्क को देना भूलना नहीं है, इट इज मस्ट, ठीक है ना। तो अब देखो इज बम्बू अ टाइप ऑफ ग्रास, क्या एक बम्बू ग्रास का टाइप है, तो यहाँ पे आंसर ऑलरेडी है कि हाँ। तो इस तरीके से आपको यस नो टाइप जो सेंटेंस स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे टोटल 12 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन सबको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, यस नो टाइप में, ठीक है ना। अब अगले क्लास में जो हमारा डब्ल्यू एस बच गया है और उसके बाद जो अल्टरनेटिव वर्ब बचा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।